हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद अकरम। आज हम बात करेंगे स्केल्स और इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो स्केल्स का वर्ड सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? मेरे माइंड में तो एक स्केल आता है जिसे मैं यूज कर रहा हूँ अपने एग्जाम के दौरान डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करने के लिए। तो वो जो स्केल है वो बेसिकली यूज होता है लाइंस को मेजर करने के लिए या पेज को मेजर करने के लिए कि कितने एरिया पर कहां से लेकर कहां तक लाइन लगाई जा सकती है या लगाई जानी चाहिए। इसी तरह डिफरेंट चीजों का वॉल्यूम या हुजम जानने के लिए हम वर्नियर, कैलिपर और इस तरह के दूसरे स्केल्स यूज करते हैं। स्केल्स जो होते हैं वो बेसिकली मेजर कर रहे होते हैं डायरेक्शन को, साइज को, इंटेंसिटी को, पोटेंसी को या लेवल को। जिस तरह हम नेचुरल साइंसेस में डिफरेंट स्केल्स यूज करते हैं नेचुरल वर्ल्ड को मेजर करने के लिए, इसी तरह सोशल साइंसेस में ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एटीट्यूड या ह्यूमन परसेप्शन को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट स्केल्स यूज करते हैं। तो सोशल साइंसेस में स्केल्स जो है वो बेसिकली मेजर करते हैं ह्यूमन एटीट्यूड, ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन परसेप्शन की इंटेंसिटी को, ह्यूमन बिहेवियर, एटीट्यूड या परसेप्शन की डायरेक्शन को, इंटेंसिटी को, लेवल को या पोटेंसी को। स्केल्स जो है वो बेसिकली मेजर कर रहे होते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन परसेप्शन को, ह्यूमन एटीट्यूड को। ये ह्यूमन बिहेवियर, परसेप्शन या एटीट्यूड की डायरेक्शन, उनकी इंटेंसिटी को, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर कितने इंटेंस है या कितने लेस इंटेंस है, ह्यूमन एटीट्यूड का लेवल क्या है, इनकी पोटेंसी क्या है या इनकी इंटेंसिटी क्या है, इन सब चीजों को हम स्केल्स के जरिए मेजर कर रहे होते हैं। इसीलिए स्केल्स को हार्डनेस और पोटेंसी ऑफ फीलिंग्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके जरिए हम ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन फीलिंग्स की इंटेंसिटी, उनकी पोटेंसी या हार्डनेस को मेजर कर सकते हैं। सोशल साइंसेस में स्केल्स जो है वो अमूमन क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में यूज होते हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में ही हम बेसिकली डायरेक्शन, लेवल, इंटेंसिटी, पोटेंसी या हार्डनेस को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं। इसीलिए स्केल्स जो है वो अमूमन क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में यूज होते हैं। सोशल साइंसेस में मेजर 5 डिफरेंट टाइप्स के स्केल्स अमूमन यूज होते हैं, जिनके नाम कुछ यूं हैं: लिकर्ट स्केल, थर्डस्टोन स्केल, बोगार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल और गटमैन स्केलिंग। तो अब इन 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लिकर्ट स्केल की। लिकर्ट स्केल्स जो है इन्हें 1930s में लिकर्ट नामी शख्स ने डेवलप किया था। ये ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट पर डिफरेंट एटीट्यूड्स को मेजर कर रहे होते हैं। लिकर्ट स्केल को समेटेड रेटिंग या एडिटिव स्केल भी कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में देखा होगा कि अक्सर रिसर्चर्स आपके पास क्वेश्चनेयर लेकर आते हैं और उन पर डिफरेंट क्वेश्चंस आपके एटीट्यूड को मेजर कर रहे होते हैं। यानी कि फर्ज करें कि एक क्वेश्चन है कि आपको कॉफी पीना पसंद है और उसके बाद डिफरेंट कैटेगरीज के ऑप्शंस होते हैं: स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ये लिकर्ट स्केल्स में ही आते हैं, जिसमें 2 से 9 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जाती हैं और वो कैटेगरीज जो होती हैं आपकी इंटेंसिटी को मेजर कर रही होती हैं किसी भी स्पेसिफिक चीज से मुतल्लिक एटीट्यूड की। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें कि एक क्वेश्चन एयर में क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे कभी कभार एंग्जायटी होती है, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये आगे 5 डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको अपने एटीट्यूड या अपनी फीलिंग्स के मुताबिक कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी या ऑप्शन को चूज करना होगा और इस तरह आपके स्पेसिफिक एटीट्यूड या बिहेवियर को अवैल्यूएट किया जाता है लिकर्ट स्केल्स यूज करके। लिकर्ट स्केल के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट पर मेजर करता है, यानी कि जो न्यूट्रल है उसे हम 0 पे रख सकते हैं, जो एग्री है उसे +1 पे, स्ट्रांगली एग्री को हम +2 पे रख सकते हैं, डिसएग्री को हम -1 पे रख सकते हैं और स्ट्रांगली डिसएग्री को हम -2 पे रख सकते हैं। यानी कि लिकर्ट स्केल में बजाय आप डिफरेंट ऑर्डर्स बनाने के और नाम लिखने के कि एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, आप 0, +1, +2, -1, -2
इस तरह भी डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि आप इसे हरगिज मत समझे कि जब आप 0, 1, 2 लिख रहे हैं तो ये इंटरवल या रेशियो स्केल पर आ जाएगा। हरगिज नहीं। जो 0 है वो न्यूट्रलिटी है, जो 1 है वो एग्री है, जो 2 है वो स्ट्रांगली एग्री है, जो -1 है वो डिसएग्री है, और -2 जो है वो स्ट्रांगली डिसएग्री है। ये इन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल्दो कि ये डिजिट हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक एटीट्यूड को, कोई स्पेसिफिक फीलिंग को, इसलिए इसे हम ऑर्डिनल लेवल पर कहेंगे, क्योंकि ये एक ऑर्डर में है, एग्री डिसएग्री स्ट्रांगली एग्री स्ट्रांगली डिसएग्री, तो ये एक ऑर्डर में है, ना कि ये इंटरवल या रेशियो स्केल पे है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कि जब भी हम कोई लिकर्ट स्केल बनाकर कुछ रिस्पोंडेंट्स पर अप्लाई करते हैं तो बाज रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स सेट देते हैं। फर्ज करें कि पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि मुझे कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, स्ट्रांगली एग्री, मैं कॉफी को फैमिली वालों के साथ शेयर करना भी पसंद करता हूँ, स्ट्रांगली एग्री। अब वो शख्स जो है, जो रिस्पोंडेंट है, वो ये जान जाएगा कि ये मेरे सारे आंसर स्ट्रांगली एग्री पर ही आ रहे हैं, इसलिए वो सबको बिना पढ़े या बिना एहतियात किए स्ट्रांगली एग्री पर भी टिक लगा सकता है, और इसे कहते हैं रिस्पॉन्स सेट या रिस्पॉन्स बायस। अब इस रिस्पॉन्स सेट या रिस्पॉन्स बायस को खत्म करने के लिए एक रिसर्चर को चाहिए कि क्वेश्चंस बनाते वक्त खास एहतियात करे और बीच में बास क्वेश्चंस इस तरह भी ऐड करे, अगर ऊपर पूछ रहा है कि मुझे कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है तो नीचे एक ऐसा क्वेश्चन भी डाले जिसमें पूछे कि मुझे कॉफी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री स्ट्रांगली डिसएग्री। अगर यहां पर भी मुझे कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है पर भी वो स्ट्रांगली एग्री पर टिक लगाएगा, जैसा कि उसने ऊपर टिक लगाया कि मुझे कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है स्ट्रांगली एग्री, तो हम अवैल्यूएट कर सकते हैं कि ये रिस्पोंडेंट जो है ये रिस्पॉन्स बायस का शिकार है, रिस्पॉन्स सेट का शिकार है, और उसके क्वेश्चनेयर को हम टर्मिनेट कर देंगे, हम उसे निकाल देंगे हमारी रिसर्च में से, क्योंकि अगर हम उसके क्वेश्चनेयर को एलिमिनेट नहीं करेंगे तो हम अपनी ही रिसर्च को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि उस रिस्पोंडेंट ने आपके आंसर्स पढ़कर या गौर से सॉल्व नहीं किए हैं, तो उस रिस्पोंडेंट के रिस्पॉन्सेस को अपनी रिसर्च का पार्ट बनाना खतरे से खाली नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप कोई लिकर्ट स्केल डेवलप करें तो उसमें रिस्पॉन्स सेट को खत्म करने के लिए या रिस्पॉन्स बायस को खत्म करने के लिए इस तरह के डिफरेंट स्टेप्स उठाएं, यानी के कुछ ऐसे आइटम्स भी डालें जो कि पीछे वाले एक ऑर्डर को या पीछे वाली एक टेंडेंसी को वायलेट करते हों, उनसे डिफरेंट हों, ताकि ये जाना जाए कि रिस्पोंडेंट जो है वो पढ़कर आंसर दे रहा है या बिना पढ़े ही आंसर कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि जरूरी नहीं है कि आपके लिकर्ट स्किल्स में 5 ही कैटेगरीज हों, हो सकता है कि आप 6, 7, 8 कैटेगरीज भी बना सकते हैं, 9 भी बना सकते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात हमेशा याद रखिए कि ज्यादा कैटेगरीज बनाने से भी रिस्पोंडेंट जो है उसे डिफरेंट कैटेगरीज के दरमियान फर्क जो है वो वेग सा लगना शुरू हो जाएगा, इसीलिए 2 से लेकर 8 या 9 तक कैटेगरीज बनाना जो है वो ही ठीक रहेगा। अब ये कैटेगरीज इस तरह भी हो सकती हैं, फर्ज करें कि क्वेश्चन है कि आई लाइक टी, कंप्लीटली लाइक, समवट लाइक, लिटिल लाइक, न्यूट्रल, कंप्लीटली डिसलाइक, समवट डिसलाइक, लिटिल डिसलाइक, तो यहां पर हम 7 कैटेगरीज बना चुके हैं एक क्वेश्चन को या एक एटीट्यूड को ऑब्जर्व करने के लिए। इन अ नटशेल लिकर्ट स्केल बनाते वक्त हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम रिस्पॉन्स बायस को एलिमिनेट कर सके और 2 से लेकर 8 या 9 तक ही कैटेगरी बनाए, क्योंकि ज्यादा कैटेगरीज जो है वो वेग कर देती है डिस्क्रिमिनेट करना रिस्पोंडेंट के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स को। अब हम प्रैक्टिकली लिकर्ट स्केल को बनाना सीखते हैं। लिकर्ट स्केल को बनाना बिल्कुल ही सिंपल है। आप सबसे पहले अपने टॉपिक को चूज कीजिए, उससे मुतालिक डिफरेंट इंडिकेटर्स बनाएं। फर्ज करें मैं लोगों का चाय से मुतालिक एटीट्यूड जानना चाहता हूं, तो मैं पहला क्वेश्चन लिखूंगा, क्या आप चाय को पसंद करते हैं? कंप्लीटली लाइक, समवट लाइक, लिटिल लाइक, न्यूट्रल, कंप्लीटली डिसलाइक, समवट डिसलाइक, अ लिटिल डिसलाइक। तो इस तरह मैं 7 कैटेगरीज यूज कर रहा हूं अपने रिस्पोंडेंट का एटीट्यूड जानने के लिए चाय से मुतालिक। आप 4, 6, 5 भी यूज कर सकते हैं अपनी रिसर्च की नोयत के लिहाज से, अपनी रिसर्च की नोयत और अपने क्वेश्चन को आप कितना एक्यूरेटली जानना चाहते हैं उन बेसिस पर आप ज्यादा या कम कैटेगरीज भी यूज कर सकते हैं।
इसके बाद आप अपने क्वेश्चनियर की स्पेस को सेव करने के लिए या फिर बहुत ज्यादा रिडंडेंसी से अवॉइड करने के लिए आप ऊपर लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, डिसएग्री, और नीचे उन्हें नंबर्स दे दें। तो ये चीज भी आप यूज कर सकते हैं लिकर्ट स्केल डेवलप करते वक्त। तीसरे स्टेप में आप अपने स्केल की स्कोरिंग करने के लिए डिफरेंट नंबर्स अलॉट करेंगे अपने स्केल को। फर्ज करें कि अगर एक रिस्पोंडेंट कहता है कि आई डू लाइक टी, उस पर वो स्ट्रॉन्गली एग्री टिक कर रहा है, तो मैं उसे नंबर दूंगा 5। अगर वो उसे एग्री हो रहा है तो मैं उसे 4 नंबर दे सकता हूँ, और न्यूट्रल को 3, डिसएग्री को 2 और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को मैं 1 नंबर अलॉट कर सकता हूँ। और उसके बाद सारे इंडिकेटर्स पर स्कोर्स को प्लस करके मैं ये जान सकता हूँ कि किसी शख्स का चाय से मुतल्लिक कितना एटीट्यूड इंटेंस है या कितना एटीट्यूड जो है वो लेस इंटेंस है। अब हम बात करेंगे थर्स्टोन स्केलिंग की। थर्स्टोन स्केलिंग को मेथड ऑफ इक्वल अपेयरिंग इंटरवल्स भी कहते हैं। थर्स्टोन स्केलिंग जो है ये 1920s में थर्स्टोन नामी शख्स ने डेवलप की थी। इसकी बेसिक लॉजिक ये है कि कोई भी ऐसा प्रेजेंट फिनोमेनन जिसके बारे में कोई हतमी राय मौजूद नहीं है, उसके बारे में हम लोगों की ओपिनियन जानने के लिए थर्स्टोन स्केलिंग यूज करते हैं। इसके लिए सिंपल प्रोसीजर है कि हम उस स्पेसिफिक फील्ड जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं उसके जजेस, जिनकी तादाद 50 से लेकर 300 तक हो सकती है, उन जजेस से हम उनकी राय पूछते हैं डिफरेंट स्टेटमेंट्स के बारे में, और फिर उनकी अवैल्यूएशन की बेस पर हम कुछ स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जिन पर ज्यादा जजेस एग्री होते हैं या फिर जिन पर जजेस के मिक्स्ड रिस्पॉन्स आते हैं, यानी कि कुछ एग्री हैं, कुछ डिसएग्री हैं, कुछ न्यूट्रल है। चूंकि हम कोई ऐसे सोशल फिनोमेनन के बारे में जानना चाह रहे हैं जिसके बारे में लोगों का एटीट्यूड जो है वो कोई फिक्स नहीं है, जो कोई फैक्ट नहीं है, और वो प्रेजेंटली बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है, इसीलिए हम एक वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज को यूज करेंगे और जिस पर बहुत ज्यादा जजेस एग्री होंगे उन रिस्पॉन्सेज को यूज करेंगे और उनका एक क्वेश्चनियर बनाएंगे और उसको पब्लिक पर अप्लाई करेंगे और पब्लिक का हम एटीट्यूड जानने की कोशिश करेंगे। अब चूंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट करें आप जानना चाहते हैं डेथ पेनल्टी के मुतालिक लोगों का एटीट्यूड, तो उसके लिए सबसे पहले आप 100 स्टेटमेंट्स बनाएंगे। फर्ज करें आप 120, 150, 200 बना सकते हैं। तो फर्ज करें कि मैं डेथ पेनल्टी से मुतालिक लोगों का एटीट्यूड जानना चाहता हूं और उसके लिए मैं 100 स्टेटमेंट्स बनाता हूं। उसके बाद मैं 9 डिफरेंट पाइल्स बनाऊंगा। आप 7, 9, 11, 13 डिफरेंट पाइल्स बना सकते हैं और उनको 3 क्लस्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, फेवरेबल, न्यूट्रल एंड अनफेवरेबल। न्यूट्रल के लिए वो जो दरमियान वाली ऑड पाइल होगी ना वो यूज होगी, और इधर हम फेवरेबल रखेंगे और एक तरफ अनफेवरेबल, इसीलिए 7, 9, 13 पाइल्स हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ऑड नंबर है और ऑड वाली पाइल जो है वो न्यूट्रल के लिए यूज होगी। इस तरफ अगर हमने 7 पाइल्स बनाई है तो 3 पाइल्स जो है वो फेवरेबल की तरफ होंगी और 3 अनफेवरेबल की तरफ, और 7वीं पाइल न्यूट्रल की होगी, और इसे हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 4 के ऊपर हम न्यूट्रल लिख देंगे, इस तरफ फेवरेबल और इस तरफ अनफेवरेबल हम लिख देंगे। तो इस तरह हम एक पाइल क्रिएट कर लेंगे 7, 9 या 13 डिफरेंट कैटेगरीज की। अब हम जो डेथ पेनल्टी से मुतालिक एक्सपर्ट्स हैं उनको वो पाइल्स देंगे। वो डेथ पेनल्टी से मुतालिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो 50 से लेकर 300 तक हो सकते हैं। अब उन एक्सपर्ट्स को जो हमने 100 स्टेटमेंट्स बनाई थी डेथ पेनल्टी से मुतालिक, वो स्टेटमेंट्स देंगे और उन्हें कहेंगे कि आपको फेवरेबल से लेकर अनफेवरेबल तक हमारी हर स्टेटमेंट जहां पर फॉल करती हुई दिखाई देती है वहां पर रख दीजिए। फर्ज करें कि पहली स्टेटमेंट जो है वो पहले जज के लिए अनफेवरेबल है और वो उसे स्टैंड करवा रहा है 5th पॉइंट पर। दूसरे जज के लिए वही स्टेटमेंट जो है वो फेवरेबल है और वो उसे स्टैंड करवा रहा है 3 पॉइंट पर। इसी तरह हम 100 जजेस से पहले क्वेश्चन से मुतालिक उनकी राय पूछेंगे कि आया कि ये फेवरेबल है, अनफेवरेबल है या न्यूट्रल है, या फिर 1 से लेकर 7 तक या 9 तक या 13 तक कहां स्टैंड करती है। और इस तरह हमने जो 100 स्टेटमेंट्स बनाई हैं, हर स्टेटमेंट के बारे में उन जजेस से उनकी राय लेंगे। वो जजेस 50 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 300 तक कितने भी हो सकते हैं, और वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स जो है हर स्टेटमेंट के बारे में उनकी राय पूछेंगे।
उसके बाद फर्ज करें कि हमारी 100 स्टेटमेंट्स थी और 50 जजेस थे, तो पहली स्टेटमेंट से मुतालिक 20 जजेस जो है वो उसे 1 पर रैंक करवा रहे हैं, जबकि 30 जजेस जो है उसे 2 पर रैंक करवा रहे हैं। तो लगभग 2 जो है उस पर ज्यादा जजेस जो है वो एग्री हैं। इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट से मुतालिक हो सकता है कि 5 जजेस दूसरे पर लॉक करें, 6 जजेस तीसरे पॉइंट पर लॉक करें, 7 जजेस चौथे पॉइंट पर लॉक करें, या कुछ भी हो सकता है। एवरेज रेटिंग एंड डिग्री ऑफ एग्रीमेंट को देखने के बाद हम उन स्टेटमेंट्स में से 20 ऐसी स्टेटमेंट्स निकालेंगे, या 25 ऐसी स्टेटमेंट्स निकालेंगे, या 15 ऐसी स्टेटमेंट्स निकालेंगे जिन पर ज्यादा जजेस एग्री कर रहे हैं। ये जानने के लिए कि ज्यादा जजेस किस स्टेटमेंट पर एग्री हो रहे हैं, हम डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करेंगे। कॉमनली हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं। उसके बाद जब हम ये जान जाएंगे कि कितने जजेस किस स्टेटमेंट पर एग्री या डिसएग्री या न्यूट्रल है, हम वो 20 स्टेटमेंट्स या 15 स्टेटमेंट्स निकालेंगे जिन पर जजेस ज्यादा एग्री कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम वो स्टेटमेंट्स भी इंक्लूड करेंगे जिन पर जजेस का एक वाइड रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि कुछ एग्री कर रहे हैं, कुछ डिसएग्री कर रहे हैं, कुछ न्यूट्रल हैं। तो चूंकि हम प्रेजेंट एटीट्यूड जानना चाह रहे हैं लोगों का, जो कि किसी हॉट सोशल फिनोमिनन के बारे में है और जिस पर कोई अभी तक फैक्ट मौजूद नहीं है, इसीलिए हम वो जो वाइड वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज जजेस ने दिए हैं उन्हें भी एड करेंगे अपने क्वेश्चनियर में। और इस तरह हम 10 से 15 स्टेटमेंट्स या 20 स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल एक क्वेश्चनियर बनाएंगे, फाइनल क्वेश्चनियर बनाएंगे, और वो अप्लाई करेंगे अपनी टारगेट पॉपुलेशन पर और देखेंगे उनका एटीट्यूड या उनका रिस्पॉन्स उस सोशल फिनोमिनन से मुतालिक। तो इसे कहते हैं थर्डस्टोन स्केलिंग। एक इंपॉर्टेंट बात यह कि जब भी आप स्टेटमेंट्स बनाएं ऐसे स्केल्स में, तो हमेशा याद रखें कि कोई भी स्टेटमेंट को एज अ फैक्ट मत बनाएं, और हमेशा कोशिश करें कि आपकी स्टेटमेंट सिंपल हो और प्रेजेंट से मुतालिक हो, और उसमें नेवर एंड ऑलवेज के वर्ड्स मत यूज करें। अब हम बात करेंगे बोगार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल के बारे में। बोगार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल जो है वो ये मेजर करता है कि कोई इंडिविजुअल जो है या कोई ग्रुप जो है वो किसी दूसरे इंडिविजुअल या किसी दूसरे सोशल ग्रुप से खुद को कितना क्लोज या कितना फार फील करता है। फर्ज करें कि ये जानने के लिए कि सोशल ग्रुप ए जो है वो सोशल ग्रुप बी के बारे में कितना क्लोज या कितना फार खुद को कंसीडर करता है, हम बोगार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल यूज करेंगे। इसी तरह ये जानने के लिए कि ग्रुप ए का स्टूडेंट एक्स जो है वो ग्रुप बी के स्टूडेंट वाई के बारे में कितना क्लोज या कितना फार फील करता है, हम बोगार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल यूज करते हैं। इसमें अमूमन हम 5 से 9 तक डिफरेंट स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। एक तरफ तो स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो शो करती हैं दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा कुर्बत का एटीट्यूड, यानी कि वो दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच्ड फील करता है, और दूसरी एक्सट्रीम पर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो शो करती हैं कि एक शख्स जो है वो दूसरे ग्रुप से कितना थ्रेटन्ड है या उनके लिए कितना जो है वो दूरी फील करता है, सोशल डिस्टेंस फील करता है, या उनसे कितना ज्यादा डिसकम्फर्ट फील करता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो अमेरिकन स्टूडेंट्स से कितना ज्यादा क्लोज या फार फील करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बोगार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल। और उसके लिए हो सकता है हम 5, 7 या 9 डिफरेंट स्टेटमेंट्स बनाएं, और स्टेटमेंट के एक एंड पर तो बहुत फार रिलेशन दिखाया जाता हो और स्टेटमेंट के दूसरे एंड पर बहुत क्लोज रिलेशन दिखाया जाता हो। फर्ज करें कि मैं ये जानना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन स्टूडेंट्स से कितना क्लोज या फार फील करते हैं, तो मैं क्वेश्चन डेवलप करूंगा 5, 7 या 9 आइटम्स का, और उन 5, 7 या 9 स्टेटमेंट्स के ऊपर लिखूंगा कि प्लीज आप यस या नो में टिक करें कि आप अमेरिकन स्टूडेंट को किस फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं या उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। नंबर 1 कि वो एज अ विजिटर आपकी कंट्री को विजिट करें। नंबर 2 कि वो आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़े। नंबर 3 कि वो आपकी क्लास में पढ़े। नंबर 4 कि वो एज अ नेबर आपकी गली में आ जाए। नंबर 5 वो आपके साथ शादी कर ले। आप किस लेवल तक उन्हें एक्सेप्ट करते हो? तो देखें, जब आप बात करते हैं विजिट करने की आपकी कंट्री की, तो ये सबसे फार सोशल डिस्टेंट लेवल है। उसके बाद आप बात करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की, जो कि थोड़ा सा क्लोज है। उसके बाद आप बात करते हैं आपकी क्लास में पढ़ने की, जो और ज्यादा क्लोज है। उसके बाद आप बात करते हैं आपके नेबरहुड में आने की, जो और ज्यादा क्लोज है। और सबसे क्लोज है किसी से शादी करना।
तो इस तरह अगर कोई शख्स पहले पॉइंट पर टिक करेगा तो वो बहुत ही डिस्टेंट फील करता है अमेरिकन स्टूडेंट से, और अगर कोई पाकिस्तानी फिफ्थ पर टिक करेगा तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही क्लोज फील करता है अमेरिकन स्टूडेंट से। तो इस तरह हम बोगार्डर सोशल डिस्टेंस स्केल यूज करके ये मेजर करते हैं कि एक कंट्री या एक ग्रुप जो है वो दूसरी कंट्री या दूसरे ग्रुप के लोगों से कितना सोशली क्लोज्ड या डिस्टेंट फील करता है। अब हम बात करेंगे सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के बारे में, जो कि 1950s में डेवलप हुआ था, जिसका बेसिक पर्पस था इनडायरेक्टली सब्जेक्टिव फीलिंग्स को एवेल्युएट करना। यानी कि सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल जो है वो सब्जेक्टिव फीलिंग्स को वैल्यूएट करता है किसी भी पर्सन की, किसी दूसरे पर्सन के बारे में, किसी दूसरी प्लेस के बारे में, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी दूसरी एंटिटी के बारे में। तो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल जो है ये इनडायरेक्टली सब्जेक्टिव फीलिंग्स आपकी अवेल्युएट करता है किसी दूसरी एंटिटी के बारे में, किसी दूसरे पर्सन प्लेस और थिंग के बारे में। और सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में हमें एक पोल पर पॉजिटिव और एक पोल पर नेगेटिव एडजेक्टिव लिख देते हैं और दरमियान में डिफरेंट नंबरिंग करते हैं और देखते हैं लोगों की सब्जेक्टिव फीलिंग को कि वो कहां पर टिक करते हैं किसी चीज से मुतल्लिक। हम पेयर्ड ऑपोजिट्स के दरमियान अमूमन 7 से 9 डिफरेंट कैटेगरीज ड्रॉ कर सकते हैं। हम इसमें एडजेक्टिव इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अमूमन किसी भी चीज की अवेल्युएशन जो है वो एडजेक्टिव्स में करते हैं, यानी कि गुड, बैड, एक्टिव, पैसिव, स्ट्रॉन्ग, वीक। तो इस तरह हम सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल यूज करते हैं, डिफरेंशियल स्केल यूज करते हैं, टू ऑपोजिट पोल यूज करते हैं किसी भी चीज से मुतलिक लोगों की सब्जेक्टिव फीलिंग्स जानने के लिए, इनडायरेक्टली किसी भी चीज से मुतलिक लोगों की सब्जेक्टिव फीलिंग्स जानने के लिए। फर्ज करें कि मैं लोगों का डाइवोर्स से मुतलिक एटीट्यूड या फीलिंग्स जानना चाहता हूं, तो मैं क्वेश्चनेयर डेवलप करूंगा जिसमें मैं लिखूंगा कि हाउ डू यू फील अबाउट डाइवोर्स, स्ट्रॉन्ग, वीक, एक्टिव, पैसिव, गुड, बैड, ब्यूटिफुल, अगली, और मैं उन दोनों पोलर ऑपोजिट्स के दरमियान 7, 9 या 11 कैटेगरीज ड्रॉ कर दूंगा और उन्हें नंबरिंग कर दूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह अगर मैं लोगों की इनडायरेक्टली सब्जेक्टिव फीलिंग्स जानना चाहता हूं मैरिज से मुतल्लिक, तो मैं क्वेश्चन डेवलप करूंगा और उस पर लिखूंगा हाउ डू यू फील अबाउट मैरिज, गुड, बैड, फेयर, अनफेयर, ब्यूटिफुल, अगली, डीप, शैलो। और इस तरह मैं इनडायरेक्टली लोगों की सब्जेक्टिव फीलिंग्स एवेल्युएट करूंगा मैरिज से मुतल्लिक या किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, प्लेस या पर्सन से मुतल्लिक। अब फर्ज करें कि एक शख्स ने मैरिज से मुतल्लिक मेरे इस क्वेश्चनेयर को फिल करते वक्त पहले गुड और बैड में गुड के पहले पॉइंट पर टिक किया है, तो इसका मतलब यह है कि वो मैरिज को अच्छा कंसीडर कर रहा है। इसी तरह अगर एक शख्स ने गुड और बैड के दरमियान बैड के पास क्लिक किया तो इसका मतलब यह है कि वो मैरिज को बुरा कंसीडर करता है। इसी तरह एक और शख्स ने मैरिज अगली और ब्यूटीफुल में अगली की तीसरी कैटेगरी पर टिक किया है जो कि ब्यूटीफुल से 6 स्टेप्स दूर है, तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स जो है वो मैरिज को बहुत ज्यादा अगली कंसीडर नहीं करता, लेकिन समवट उसके लिए मैरिज जो है वो एक अगली आइडिया है। और इस तरह हम इनडायरेक्टली किसी भी शख्स की सब्जेक्टिव फीलिंग्स को अवेल्युएट कर सकते हैं किसी भी शख्स से मुतलिक, किसी भी चीज से मुतलिक या किसी भी जगह से मुतलिक। अब हम बात करेंगे गटमैन स्केलिंग की, जिसे क्यूमुलेटिव स्केलिंग भी कहते हैं। गटमैन स्केलिंग या क्यूमुलेटिव स्केलिंग जो है इसे 1940s में डेवलप किया गया था किसी भी सिंगल डायमेंशन या क्यूमुलेटिव इंटेंसिटी के बारे में जानने के लिए। इसको अगर हम सिंपलेस्ट टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो गटमैन स्केलिंग डील करती है कि एक हायर ऑर्डर की चीज जो है वो प्रीवियस ऑर्डर्स को एग्री कर रही है। फर्ज करें कि मैं ये अज्यूम करता हूं कि एक बच्चा जो है वो अपना नाम जानता है, अपने फादर का नाम जानता है, अपना एरिया जानता है, अपने एरिया के पॉलिटिकल लीडर का नाम जानता है। तो अगर तो एक बच्चा जो है वो अपने फादर का नाम जानता है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो अपना नाम भी जानता होगा, और अगर एक बच्चा अपने एरिया के पॉलिटिकल लीडर का नाम जानता है तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि वो बच्चा अपने एरिया का नाम, अपने फादर का नाम और अपना नाम भी जानता होगा। यानी कि गटमैन स्केलिंग में हम सिंगल डायमेंशन या क्यूमुलेटिव इंटेंसिटी की बात कर रहे होते हैं। हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि अगर एक शख्स
तीसरे नंबर वाली चीज को जान रहा है तो वो पहली दो चीजों को भी जानता होगा। इस मामले में हम बात कर सकते हैं स्केल्ड एंड अनस्केल्ड आइटम्स की। अगर तो एक शख्स दूसरी चीज को जान रहा है तो हम एज्यूम करेंगे कि वो पहली चीज को भी जानता होगा, और अगर वाकई वो पहली चीज को भी जानता है तो वो आइटम होगी स्केल्ड आइटम। और अगर एक शख्स तीसरी चीज को जान रहा है लेकिन वो पहली और दूसरी को नहीं जान पा रहा तो वो अनस्केल्ड आइटम होगी। फर्ज करें कि मैं जानना चाह रहा हूं लोगों का एटीट्यूड कि वो कैसे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बायकॉट करना चाह रहे हैं, तो मेरा पहली आइटम तो यही होगी कि आप इस चीज को बुरा परसीव करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा कि आप इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहते हैं। तीसरा आइटम होगा आप इसे बायकॉट करना चाहते हैं। चौथा होगा कि आपने इसे बायकॉट कर दिया। तो एक स्केल्ड आइटम में अगर एक शख्स किसी चीज का बायकॉट कर रहा है तो वो उससे पिछली आइटम्स यानी कि उसे बुरा परसीव करना और उसके खिलाफ एक्शन लेना से एग्री करेगा। लेकिन एक अनस्केल्ड आइटम में हो सकता है कि एक शख्स एक चीज को बायकॉट तो कर रहा है लेकिन उसे बुरा परसीव नहीं कर रहा, क्योंकि वो प्रीवियस आइटम्स को एग्री नहीं कर रहा है। एक और एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि अगर एक बच्चा अपना नाम जानता है तो उसके बाद वो अपनी एज जानता होगा और उसके बाद अपना टेलीफोन नंबर जानता होगा। ये तो एक स्केल्ड आइटम हो गई कि अगर वो अपना टेलीफोन जानता है तो वो प्रीवियस टू भी जानता है। लेकिन अगर एक शख्स अपना टेलीफोन नंबर तो जानता है लेकिन अपना नाम नहीं जानता, अपनी एज नहीं जानता, तो वो एक अनस्केल्ड आइटम होगी। तो गटमैन स्केलिंग को हम यूज करते हैं ये जानने के लिए कि आया के डाटा में हायरार्किकल पैटर्न्स पाए जाते हैं या नहीं, और लोग जो हायर लेवल से एग्री कर रहे हैं वो पिछले लेवल से भी एग्री कर रहे होंगे। यानी कि ये स्केल हम बेसिकली यूज करते हैं डाटा कलेक्शन के बाद ये जानने के लिए कि क्या इस डाटा में हायरार्किकल पैटर्न्स पाए जा रहे हैं या नहीं, क्या जो लोग हायर ऑर्डर से एग्री कर रहे हैं वो लोअर ऑर्डर से भी एग्री कर रहे हैं या नहीं। तो गटमैन स्केलिंग हम यूज करते हैं डाटा कलेक्ट करने के बाद ये जानने के लिए कि क्या डाटा में हायरार्किकल पैटर्न्स पाए जाते हैं या नहीं, क्या हायर ऑर्डर से एग्री करने वाले लोग लोअर ऑर्डर से एग्री कर रहे हैं या नहीं। ये सब जानने के लिए हम यूज करते हैं क्यूमुलेटिव स्केलिंग या गटमैन स्केलिंग। और इसमें अमूमन हम स्केल्ड एंड अनस्केल्ड आइटम्स की बात करते हैं। स्केल्ड से मुराद ये है कि हायर ऑर्डर की चीजें जो है उनसे एग्री करने वाला लोअर ऑर्डर से भी एग्री कर रहा है, जबकि अनस्केल्ड आइटम से मुराद ये है कि हायर ऑर्डर से एग्री करने वाला जरूरी नहीं है कि लोअर ऑर्डर से एग्री करे। और इसके लिए हम एक कोएफिशिएंट यूज करते हैं जिसकी रेंज 0 to 100 होती है। 0 का मतलब होता है अनस्केल्ड आइटम या अनस्केल्ड हायरार्किकल पैटर्न, यानी कि इसमें अनस्केल्ड हायरार्किकल पैटर्न्स पाए जाते हैं। और 100 का मतलब यह है कि इसमें परफेक्ट हायरार्किकल पैटर्न्स पाए जाते हैं। तो क्यूमुलेटिव स्केलिंग या गटमैन स्केलिंग को हम कोएफिशिएंट में 0 to 100 रेंज में यूज करते हैं। 0 का मतलब होता है अनस्केल्ड आइटम और 100 का मतलब होता है स्केल्ड, परफेक्टली स्केल्ड आइटम। तो आज के सेशन में हमने जाना कि स्केल्स को हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए इंटेंसिटी, डायरेक्शन या लेवल को डिफरेंट चीजों का, डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स का, डिफरेंट एंटिटीज के बारे में। और सोशल साइंसेज में अमूमन 5 मेजर स्केल्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले लिकर्ट स्केल है जिसे समेटिव रेटिंग या एडिटिव स्केल भी कहते हैं, और उसमें हम एक ऑर्डिनल लेवल पर मेजरमेंट कर रहे होते हैं ह्यूमन बीइंग के एटीट्यूड्स को मेजर करने के लिए। दूसरे नंबर पर हमने थर्स्टोन स्केलिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें हम डिफरेंट जजेस से डिफरेंट पाइल्स पर उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं, और वो पाइल्स जिन पर ज्यादा जजेस एग्री कर रहे हैं और जिन पर एक वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज है यानी कि एग्री, डिसएग्री और न्यूट्रल, उन सब क्वेश्चंस को हम चूज करते हैं और एक क्वेश्चनेयर बनाते हैं और लोगों से किसी भी न्यू, किसी भी प्रेजेंट या किसी भी ऐसे सोशल फिनोमिनन के बारे में उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं जो कि अभी फिक्स्ड फैक्ट नहीं बना है। उसके बाद हम बोगार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल को यूज करते हैं लोगों या डिफरेंट ग्रुप्स की, दूसरे डिफरेंट ग्रुप्स या लोगों के बारे में सोशल डिस्टेंस जानने के लिए कि आया कि वो दूसरे ग्रुप से क्लोज या फार फील करते हैं। उसके बाद हमने जाना सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के बारे में, जिसमें हम दो एडजेक्टिव्स बनाते हैं, दोनों ऑपोजिट पोल्स में होते हैं, और उसके जरिए हम इनडायरेक्टली
लोगों की सब्जेक्टिव फीलिंग्स को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, डिफरेंट प्लेसेस के बारे में, डिफरेंट पर्सन्स के बारे में या डिफरेंट एंटिटीज के बारे में। और लास्ट में हमने बात की गटमैन स्केलिंग की, जिसे क्यूमुलेटिव स्केलिंग भी कहते हैं, जिसमें हम डाटा कलेक्ट करने के बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि आया कि हमारे आइटम स्केल्ड हैं या अनस्केल्ड हैं। स्केल्ड आइटम से मुराद ये है कि हाई ऑर्डर से एग्री करने का मतलब ये है कि हम लोअर ऑर्डर से एग्री कर रहे हैं। अनस्केल्ड आइटम से मुराद ये है कि हायर ऑर्डर से एग्रीमेंट का हरगिज ये मतलब नहीं है कि लोअर ऑर्डर से एग्री किया जा रहा है। और गटमैन स्केलिंग या क्यूमुलेटिव स्केलिंग को हम अमूमन इसी मकसद के लिए यूज करते हैं कि ये जाना जा सके कि आया के डाटा में हायरार्किकल पैटर्न्स पाए जाते हैं या नहीं।